हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबडिस क्विजिन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक ग्लास दूध। ये बॉईल किया हुआ दूध है, इसको मैंने ठंडा करके दूध के मलाई के साथ ही लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज का आम, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आम जो है वो बहुत ही पका हुआ और मीठा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध के ऊपर जमा हुआ मलाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे शक्कर, मीठा आपके स्वाद के अनुसार ले, और कुछ कटा हुआ बादाम और पिस्ता और एक चेरी। और इसके साथ ही साथ लेंगे एक इलायची। अगर आपके पास कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर हो तो आप उसी को ही ले। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग कंटेनर, इसके अंदर डालेंगे आम, 4 टेबल स्पून चीनी, मीठा आप आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, इलायची के दाने हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध के ऊपर जमा हुआ मलाई भी ले सकते हैं, और डाल देंगे दूध। ये मिल्कशेक खास करके बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो इसको आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अब हम ढक्कन लगा के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आइस क्यूब्स। आप जितना ठंडा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आइस क्यूब्स डालिए। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक्स है और फटाफट बन के तैयार भी हो जाते हैं। आइस क्यूब्स डालने के बाद इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये जो सारे चीजें हैं ये अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। ये मिक्स्ड हो चुका है और एक क्रीमी सा टेक्सचर आया है। अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो ग्लास के अंदर हम मिल्क शेक डाल देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा मिल्क शेक बनाया है। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से दूध और शक्कर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़ा सा क्रीम, कटा हुआ बादाम, पिस्ता और चेरी से। तो तैयार है बहुत ही रिफ्रेशिंग ठंडा ठंडा मैंगो मिल्कशेक। इस गर्मियों में आप इसको घर पर बनाइए और फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिए। और रेसिपी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड एंड फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। उससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। एक बार फिर मुलाकात होगी और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।